माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज बहुत बड़ा खुशखबरी है क्योंकि आज तारीख है 16 तारीख और दोस्तों आज दिन है शनिवार। तो जय श्री राम सभी मित्रों को सबसे पहले। और आज इसलिए खुशखबरी है, आज खुशी का दिन है क्योंकि आज हम मामा बन गए, क्योंकि आज मेरी छोटी बहन का बेटी हुई है जो कि अभी 2022 में मई में शादी हुआ था। और मेरी जो छोटी बहन है उसी का बेटी हुई है और आज ही के दिन हुई है, सुबह में आपको 8:35 में हुई है। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि आज मामा बनने का खुशी बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरे दो भगना है, अब एक भगनी भी आ गई। तो दोस्तों दो भगना एक भगनी, तो आज भगनी भी आ गई जो कि लक्ष्मी है। तो चलिए इसी के खुशी में आपको वहाँ हॉस्पिटल भी जाएंगे और वहाँ सब कुछ दिखाएंगे और प्यारे प्यारी क्यूट भगनी का भी आपको फोटो दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे। तो दोस्तों स्किप मत कीजिएगा, अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हॉस्पिटल के बारे में आपको बताना चाहते हैं जो कि किस जगह पर मेरा बहन एडमिट है, जो कि वहाँ डिलीवरी हुआ है, जो कि लक्ष्मी हुई है, हम पूरा हॉस्पिटल का डिटेल बता रहे हैं। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में है उसका हॉस्पिटल का नाम है लक्ष्मी नर्सिंग होम। मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, समझ गए ना। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल का नाम है वहाँ का नाम है लक्ष्मी नर्सिंग होम। अब हम आपको बता रहे हैं, लक्ष्मी चौधरी नाम की एक मैडम है, वो भी देखती है, उनका बेटी जो है मनीषा चौधरी उनका बेटी भी देखती है। तो दोस्तों हमारे घर में जितने भी छोटे छोटे सपुत्र देखते होंगे ना खेलते कूदते ब्लॉग में, तो वो जो भी हुआ है सब मनीषा चौधरी के मैडम के पास ही हम लोग डिलीवरी करवाते हैं, जो कि पूरे झारखंड में सबसे बढ़िया रांची में सबसे नंबर 1 में मैडम है, जो कि अधिकतर देखते होंगे दोस्तों ऑपरेशन कर देता है लोग, लेडीज लोग का पेट चीर देता है लोग, अधिकतर सुने हैं कि कोई डॉक्टर मैडम बोलती है कि बच्चा उल्टा हो गया है, तो बच्चा लाइटिंग पी लिया है, तो बच्चा ये कर लिया है, तो बच्चा वो कर लिया, इसके कारण आपको ऑपरेशन करना होगा। तो गाइस मैडम वहाँ पर कुछ टेंशन नहीं है, वहाँ एक पैसा का ऑपरेशन का नाम ही नहीं लेती है, हमेशा नॉर्मल डिलीवरी कराती है। हाँ कंडीशन जब ख़राब होता है दोस्तों तब जाकर वो ऑपरेशन करती है, लेकिन 100 में 99% नॉर्मल डिलीवरी कराती है। हमारे घर में भी हुआ है दोस्तों, जो कि सबको नॉर्मल डिलीवरी कराती है, मात्र नॉर्मल डिलीवरी का चार्ज है 25,000 और बाकी अलग से दवा वाला जो लगेगा अलग से। अगर आपको ऑपरेशन भगवान ने कहा ऑपरेशन कराना पड़े तो दोस्तों आपको 45,000 में ऑपरेशन का है, अपना अलग से आपको दवा का है। और बताना चाहते हैं जो मनीषा चौधरी है वही सब हमारे घर में जितने भी सदस्य हुए हैं छोटे छोटे नए, वो सब मनीषा चौधरी मैडम से ही हम लोग दिखाए हैं। वो भी हम लोगों को बताने वाला है, हमारे ही मित्र थे जो कि बताए कि रांची में लक्ष्मी नर्सिंग होम है जो कि हिनू में है, वहाँ जाइए, वहाँ दिखाइए परिवार को, वहाँ हमेशा नॉर्मल डिलीवरी होता है। तो हम लोग भी उन्हीं के बातों को सुनकर वहाँ गए, वहाँ विजिट किए, वहाँ सब कुछ देखे, तो सही में नॉर्मल डिलीवरी होता है दोस्तों। आज हमारे घर में टोटल 7 बच्चा लोग है, समझ गए दोस्तों। तो इसीलिए बताते हैं आपको, अगर आप लोगों को भी ज़रूरत पड़े तो लक्ष्मी नर्सिंग होम हिनू में है, आप लोग जाइए वहाँ पर, फन सिनेमा है, आईलेक्स सिनेमा है, इसी का ठीक बगल में है लक्ष्मी नर्सिंग होम, वहाँ सबसे बढ़िया डॉक्टर है लक्ष्मी चौधरी और मनीषा चौधरी, आपको जिससे दिखाना होगा दिखा सकते हैं, लेकिन हम दिखाते हैं मनीषा चौधरी मैडम से। तो दोस्तों आज खुशी का दिन है और कल विश्वकर्मा पूजा है दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा को भी तैयारी हम लोगों को करना है। तो चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ का पूरा दृश्य दिखाते हैं मनीषा चौधरी का और लक्ष्मी चौधरी का ऑफिस, और वहाँ पहुँचने के बाद अपने छोटी छोटी प्यारी सी क्विट भगनी का वीडियो दिखाएंगे और वहाँ गोदी लेकर हम खिलाएंगे और वहाँ पहुँच कर बताते हैं सब कुछ। तो बने रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आपको दिखाते हैं, देखिए ये है लक्ष्मी नर्सिंग होम,
लिखा हुआ ना लक्ष्मी नर्सिंग होम, ये बहुत ही अच्छा मैडम है जो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी कराती है, ऑपरेशन का कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं और चलते हैं अंदर की ओर, आपको लेकर दिखाते हैं यहाँ का सब कुछ। आओ, यह है यहाँ मेडिकल है, चौधरी मेडिकल हॉल, और यहाँ सीधे नीचे। और अब हम अंदर की ओर चलते हैं, मैडम का क्लिनिक दिखाते हैं। ये है मैडम का क्लिनिक, मनीषा चौधरी। तो दोस्तों जैसे कि ये देख रहे हैं, ये है मनीषा चौधरी। ये मनीषा चौधरी का ये मैडम का ये क्लिनिक है, वो ऑफिस है, इसी में बैठ कर देखती है मैडम, जो C5 लिखा हुआ था। दोस्तों इधर देखिए लक्ष्मी चौधरी, जो कि मनीषा चौधरी की मम्मी है, लक्ष्मी चौधरी का ये क्लिनिक है, यहाँ उसकी मम्मी देखती है दोस्तों। और यहाँ देखिए लक्ष्मी चौधरी लिखा हुआ भी है, इधर इनका पेशेंट बैठते हैं लोग। तो इधर देखिए, तो दोस्तों अब हम आपको चलते हैं अपना भगनी को दिखाते हैं। देखिए इधर भगनी को डिलीवरी होने के बाद भगनी हमारे जो भी रूम है इसमें आई है। तो दोस्तों इधर दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले देखिए भगनी को, ये देखिए इधर देखिए भगनी को, किट छोटी सी कैसे कर रही है दोस्तों, देख रहे हैं ना आप लोग, एकदम छोटी सी एकदम नन्ही सी प्यारी सी किट भगनी है, एकदम क्यूट जैसा लग भी रही है दोस्तों, देख रहे हैं ना, तो आँख खोल कर देख रही है। इधर देखिए मेरा भगना मम्मी बहन है, मेरी बाहरी बहन है ये, और इधर देखिए मेरी छोटी छोटी भगनी को कैसे देख रही है, एकदम मामा आ गया, मामा आ गया दोस्तों। इधर देखिए मेरी बहन है, और इधर हम है दोस्तों। बहुत मज़ा आया दोस्तों, भगनी हुई है और हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है दोस्तों। भगनी हुई है मेरा, यहाँ हम लिए हुए हैं, और इसका चेहरा आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले क्यूट चेहरा, एकदम छोटा सा क्यूट क्यूट देख रही है, और देख रहे कैसे देख रही है, पूरा चेहरा दिखा ना, नकिया उकिया डेलिब्रेशन थोड़ा सा नकिया उकिया हटा, वही बात ठीक करी, ठीक करने करा तो दोस्तों देख सकते हैं मुँह में खा ले ना बिया। वो ये देखिए छोटी सी क्यूट लक्ष्मी आई है घर पर, भगनी हुई है मेरा, इधर देखा, इधर दिखा दे, एकरा दिखा दे दोस्तों, देखिए सही रूम दिया, पर्सनल रूम ना ले लिया। तो दोस्तों देख सकते हैं लक्ष्मी नर्सिंग होम बहुत बढ़िया मैडम है। इधर देखिए वो जो जाता है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की तरफ जाता है, इधर जाता है काटा टोली सुजाता चौक और मेन रोड फिरायलाल की तरफ निकलता है, और इधर आपका जो चल गया देखिए बिरसा मुंडा है, वो खुटी उटी सब इधर से चला जाएगा हवाई अड्डा की तरफ। ये बिल्डिंग के बगल में, ठीक बगल में ही है, और बहुत ही अच्छा मैडम है दोस्तों, लक्ष्मी नर्सिंग होम है। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम, कुछ लेने खाने के लिए लेने जा रहे हैं, तो बहन के लिए कुछ लेना था, मम्मी बोली कि मीठा लेकर आओ, तो हम बोले ठीक है लेकर आते हैं दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए अभी घर पर आए हुए हैं बाबू, हॉस्पिटल से अब घर आएगी बचिया जो कि बेबी हुई है। अब बस हम लोग घर में पूरा तैयारी के लिए लगे हुए हैं, बेलूम वलूम लग रहा है, और इधर देखिए हॉस्पिटल से आएगी और पूरा तैयारी एकदम, रूम पूरा सजेगा अभी यहाँ पर, और यहाँ रूम पूरा सजा उजा कर बेलून लगेगा, और यहाँ इसके बाद देखिए क्या क्या कार्यक्रम होगा, सब वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी में अभी 9 बज चुका है, रात को 9 बज रहा है, तारीख है 16 तारीख। तो दोस्तों अब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो भगनी हुई है ना, तो उसको लाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए रात को समय में जो हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हमारे साथ कौन कौन है दोस्तों, सबसे पहले उन लोग को देखिए, इधर देखिए, तो दोस्तों इन लोग को देखिए, पीछे देखिए, देखिए पीछे कौन कौन है, और अभी हम लोग आगे की ओर निकल रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वहां जाकर भगनी को, मम्मी को, बहन को इसी गाड़ी से लेकर आना है। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल, और वहां से पूरा
छुट्टी करा कर घर वापस लेते आते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों से मिल सकते हैं आप। रात को 10:15 हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से छोटा बाबू को लेकर अब हम लोग घर की ओर निकल रहे हैं। इधर देखिए गाड़ी में बैठ रही है मेरी बहन और छोटा बाबू, और इस सफारी में बैठ रही है दोस्तों, और चलते हैं अभी हम लोग घर की ओर। ये नहीं गाड़ी दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर निकल चुके हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं। गाड़ी में समय देखिए कितना हो गया है, 10:15 हो गया है दोस्तों, और हम लोग आगे की ओर निकल रहे हैं, मतलब घर जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।